Hello and welcome my dear parents and amazing brilliant students. How are you all? Yes, मुझे पता है सब लोग मजे में होंगे, right? So it's time to solve some questions of class 3 और वो किससे related होंगे? हमारे science olympiad से related होंगे. जिन भी बच्चों ने science के olympiad, either वो आपका NSO हो या फिर silver zone हो या NSTSE हो, जिन्होंने भी science का olympiad fill किया है, उनके लिए ये questions बहुत important होने वाले हैं. Although these questions are from NSO, but mainly आपको क्या practice करना है बच्चों, कि olympiad में किस type के questions आते हैं and how we have to attempt all these questions. क्या हमारी trick होनी चाहिए, tips होने चाहिए, उन चीजों का हमें ध्यान रखना है. स्पेशली अगर हम एनएसओ की बात करें, सो देयर विल बी 1 आवर टाइम एंड क्वेश्चंस विल बी 35 क्वेश्चंस होंगे. आपको टाइम 1 आवर मिलेगा जिसमें 3 सेक्शन होंगे. फर्स्ट आपके लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस, 25 विल बी फ्रॉम साइंस एंड 5 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर अचीवर सेक्शन, जिसको कि हम HOTSB बोलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आते हैं उनके पर क्वेश्चन के मार्क्स 2 होते हैं. ऑल दो बाकी सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे स्टार्टिंग से लेके नंबर 25 तक 30 तक 1 to 30 तक आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके मार्क्स 1 क्वेश्चन पर मार्क्स है, लेकिन अचीवर सेक्शन के आपके 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस, तो नॉर्मली आपका जो EVS का सिलेबस है उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन रहेगा. क्या क्या है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ह्यूमन बॉडी, अर्थ एंड यूनिवर्स, मैटर, मटेरियल, इन सारे टॉपिक्स से आपके साइंस के क्वेश्चंस आएंगे और HOTS के क्वेश्चंस भी इसी में से आएंगे. सो आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड फॉर द क्वेश्चंस? बिकॉज मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स शोज द टाइम 2 आवर्स 20 मिनट्स आफ्टर 9:40 AM. मतलब 9:40 AM के बाद आपको क्या ऐड करना है, 2:20 ऐड करना है. चलो क्या आएगा देखते हैं. एंड यहाँ पे आपको 20 जब हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि आफ्टर 2:20 बोल रहा है, 0:00 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 + 2 = 11 हो जाएगा, और 11:60 मतलब कि वो हो जाएगा आपके 12 o'clock के बराबर. ठीक है, 12 o'clock के बराबर हो जाएगा. सो 12 o'clock कौन सी क्लॉक शो कर रही है? इट इज इन ऑप्शन नंबर डी. समझ में आया? सिंपली क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है, यही फर्स्ट रूल होता है हमारे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. वापस से समझते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स शोज द टाइम 2 आवर्स 20 मिनट्स आफ्टर 9:40, सुबह के 9:40 के बाद में 2:20 जब और उसमें ऐड करेंगे तो कितने बजेंगे? सो इट विल बी 12 o'clock. राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन पैटर्न गिवन बिलो. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पैटर्न, जो कि आपके लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है. सो यहाँ पे पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है. देखो यहाँ पे ये जो स्लैब है वो कुछ इस तरीके से है, देन उसके बाद में आपका एक ट्रायंगुलर शेप है, देन फिर दो स्लैब आ गई आपकी, फिर ट्रायंगुलर शेप है, और पहले ये क्या था, डाउनवर्ड इसका फेस था, अब इसका अपवर्ड हो गया, फिर से दो स्लैब है, फिर से आपका एक ट्रायंगल है. अब यहाँ पे एक ही स्लैब है, एक स्लैब और आनी चाहिए ना, उसके बाद ट्रायंगुलर शेप आनी चाहिए. सो दैट मींस वो स्लैब किस में है? इट इज इन ऑप्शन नंबर ए एंड बी. अब यहाँ पे एक और दिमाग लगाना है कि फर्स्ट जो था वो यहाँ पे ब्लैक था, ठीक है, फिर सेकंड में क्या था, ग्रे था. सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट ब्लैक, सेकंड क्या था, ग्रे. फर्स्ट ब्लैक, सेकंड क्या था, ग्रे. फर्स्ट ब्लैक, सेकंड क्या होगा हमारा यहाँ पे, ग्रे. सो स्लैब में भी कौन सी आएगी, ऑप्शन नंबर बी. सिंपली क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और अकॉर्डिंगली उसको आगे टिक कर देना है. फाइंड द ऑड वन आउट, जो कौन सा एक ऑप्शन है जो कि बाकी सबसे डिफरेंट है. समझो देखो यहाँ पे टेबल है, टेबल किससे मिलके बनती है, वुड से. बेड भी आपका किससे मिलके बनता है, वुड से. ठीक है, चेयर आपकी वुड से. सो दैट मींस ये तीनों चीजें वुडन चीजें हैं, लेकिन बी ऑप्शन ऐसा है जो कि आपकी क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, कौन सी बॉल बोलते हैं इसको हम, वो आपकी बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, कौन सी है, मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना. सो ये क्या है, ऑड वन आउट है. राइट, सो दिस इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड इट्स टाइम टू सॉल्व आवर अमेजिंग सेक्शन विच इज योर साइंस सेक्शन. आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द क्वेश्चंस? बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम साइंस सेक्शन, यहाँ पे हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों. राइट, एग्जाम में आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, बट हेयर वी विल डिस्कस सम सैम्पल क्वेश्चंस.
सो द कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्टली हम उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम साइंस इज व्हाट कैन बी द रीजन दैट अ टैक्सी ड्राइवर हैज टू बी मोर केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग ऑन अ रेनी डे देन ड्राइविंग ऑन अ हॉट समर डे. ठीक है, टैक्सी ड्राइवर को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए रेनी डे पे ड्राइव करते हुए और आपके समर पे ड्राइव करते हुए. ठीक है, आपने देखा होगा टैक्सी ड्राइवर को, आप भी टैक्सी में बैठे होंगे, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पहले हम समझते हैं. ठीक है, सो व्हाट कैन बी द रीजन, क्या रीजन हो सकता है कि वो ज्यादा मोर केयरफुल रहते हैं. कब? व्हेन ड्राइविंग ऑन अ रेनी डे, जब वो रेनी डे पे ड्राइव करते हैं तब ज्यादा केयरफुल रहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है हमसे, रेनी डे पे जब वो ड्राइव करते हैं तब वो मोर केयरफुल रहते हैं एज कंपेयर टू हॉट समर डे. उसका क्या रीजन है हमें फाइंड आउट करना है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टैक्सी एंड रोड इज हायर ऑन हॉट समर डेज. सबसे पहले समझते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जो अर्थ है वो अर्थ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आप जो भी देख पा रहे हो उन सब पे एक फोर्स लगाती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में पेन है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे छोड़ती हूँ तो ये नीचे आ जाता है. किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ के अंदर एक ग्रेविटी है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वो चीजों को अपने आप नीचे की तरफ पुल करती है. जैसे आप जंप करते हो ऑटोमेटिक नीचे आ जाते हो, अगर आप स्पेस में जंप करोगे ना तो आप नीचे नहीं आओगे. क्यों? क्योंकि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा. समझ में आ गया? तो क्या ऐसा है कि भाई हॉट समर डेज पे अलग होता है और रेनी डेज पे अलग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? बिल्कुल गलत, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो क्या होता है बच्चों, वो फिक्स होता है. ठीक है, वो चाहे वो फिक्स होता है. अभी आपको मैं वैल्यू वगैरह नहीं बताऊंगी, इसकी वैल्यू भी होती है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पूरी अर्थ पे फिक्स है. ठीक है, उसको टेंटेटिवली हम लोग 10 बोलते हैं. ठीक है, 10 लगता है वो. सेकेंड ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टैक्सी एंड रोड इज लोअर ऑन रेनी डेज. अब सबसे पहले हम समझते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है बच्चों जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे एक व्हील है और नीचे एक कुछ सरफेस गिवन है. ठीक है, तो ये जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में टच होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपने दोनों हैंड्स के जो पाम है इनको इस तरीके से रब किया, सो अभी यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, राइट. सिमिलरली यहाँ पे इस व्हील और यहाँ पे सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है इट इज फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स. इसको हिंदी में बोलते हैं हम घर्षण बल, जो कि क्या होता है, एक दूसरे से ऐसे रबिंग होने की वजह से जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन की वजह से. ठीक है, ऐसे रबिंग की वजह से जो फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो टैक्सी और रोड है, ठीक है, यहाँ पे टैक्सी और रोड है, उस टैक्सी और रोड के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये टैक्सी के व्हील है, हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे अज्यूम करना है कि ये जो टैक्सी और रोड है, ठीक है, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है इट इज लोअर ऑन रेनी डेज. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स वो कम हो जाता है और इसी की वजह से आपने हमेशा देखा होगा हमें मम्मी पापा बोलते भी हैं कि जब बारिश हो रही होती है बच्चों, अगर आप ऑल दो नॉर्मल आप अपने टाइल्स पे भी चल रहे हो तो आपको केयरफुली चलना है. क्यों? क्योंकि वो स्लिपरी हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है. क्या ये बात क्लियर हो गई? साइकिल भी हम चलाते हैं तो बहुत केयरफुली चलाते हैं. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे साइकिल के टायर और आपका जो रोड है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स. उसकी वजह से आप क्या हो सकते हैं, आपकी साइकिल जो स्किड हो सकती है, आप स्लिप हो सकते हैं. समझ में आ गया? तो आपको ऑल दो केयरफुल भी रहना है जब भी ऐसे रेनी डेज में आप कहीं पे ऐसी जगह पे जाते हैं चलते हैं. एंड इस क्वेश्चन से भी हमें क्लियर हो गया है कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो मोर केयरफुल रहते हैं रेनी डेज में एज कंपेयर टू हॉट समर डेज, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सी ऑप्शन को भी समझ लेते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टैक्सी एंड रोड इज लोअर ऑन रेनी डेज. कि रेनी डेज में वो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हर सीजन में सेम रहता है.
फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टैक्सी एंड रोड इज लोअर ऑन हॉट समर डेज. हॉट समर डेज में कम होता है क्या? नहीं, वो कम किस में होता है? वो रेनी डेज में कम होता है. हॉट समर डेज में तो वो ज्यादा रहता है और उसकी वजह से आप अच्छे से टैक्सी को चला सकते हो रोड पे. सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन तो ये है, मे बी सेम कॉन्सेप्ट आपके यूज हो और एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और पूछा जाए. सो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना. आइदर ये साइंस हो मैथ्स हो, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर ड्रॉपलेट दैट आर टू हैवी टू फ्लोट मेक डैश. कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है बच्चों, ठीक है, जैसे ये आपका क्लाउड है, इस क्लाउड के अंदर क्या होती है, बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है. आप सबको पता है कि बेसिकली आपका रेन साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, कि आपकी बारिश हुई, बारिश होने के बाद में जो भी आपका वाटर है सी में, लेट्स से आपका वाटर है, वो वाटर क्या होता है, हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है. मतलब गर्मी की वजह से वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट, भाप बन करके ऊपर चला जाता है और ऊपर जाकर के वापस से क्लाउड बनाता है, ठीक है, और फिर क्लाउड बना के वापस से बारिश होती है. ये सेम साइकिल चलती रहती है. एंड सिमिलरली जब ये क्लाउड्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये टू हैवी, मतलब बहुत जब ये भारी हो जाती हैं, ठीक है, बहुत हैवी हो जाती हैं, तो उसके बाद ये क्या हो जाती है, बारिश आ जाती है, राइट. ऐसा ही होता है, ये जो क्लाउड होता है वो एक्चुअली आपका बर्स्ट हो जाता है और बर्स्ट होने के बाद में मतलब फूट जाता है और वहां से हमें क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है. तो वो क्या बनाती है, बेसिकली ये रेन बनाती है, ठीक है. जब वो बहुत हैवी हो जाती हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी फॉर्म में हमारी अर्थ पे आती है, वाटर ड्रॉपलेट्स रेन की फॉर्म में हमारे अर्थ पे आती है. आई होप दिस क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट बोथ आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कुछ भी नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. इस वीडियो में नहीं कर सकते, कोई भी बात है जिस वीडियो में आप जाके कर सकते हैं मुझे ज़रूर बताएं. क्योंकि किड्स के सेक्शंस में बच्चों ये ऑटोमेटिकली रूल होता है कि आपके कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं. सो जहां पर भी आप पॉसिबल हो सकता है मेरे से कनेक्ट करें और मुझे अपने मन की बात ज़रूर शेयर करें. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज ऑर्गन सिस्टम्स गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. कौन सा ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना बच्चों, शेप एंड सपोर्ट, ठीक है. एंड नेक्स्ट बात है आपकी, एंड प्रोटेक्ट द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है, उनको सेफ भी रखता है, जैसे कि लंग्स को, ब्रेन को, हार्ट को, इन सबको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, एक एज अ प्रोटेक्टर हमारी बॉडी में काम करता है. वो कौन सा सिस्टम है? क्या ये फर्स्ट जो सिस्टम दिख रहा है इसमें तो मुझे कुछ नर्व्स वगैरह दिख रही है, ठीक है. तो नर्व्स वाला जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, वो आपका नर्वस सिस्टम होता है, राइट. फिर उसके बाद में आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए. यहाँ पे आपकी मसल्स मुझे दिख रही है, ठीक है, तो ये मस्कुलर सिस्टम हो गया. यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे कुछ ब्लड वगैरह का फ्लो है, ठीक है, या तो आइदर वो आपका एयर का फ्लो होगा या फिर आपका ब्लड का फ्लो होगा. तो दैट मीन्स अगर एयर का हो रहा है तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा, एंड ब्लड का हो रहा है तो वो कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, सर्कुलेटरी, चलो मैं ही बता देती हूँ. एंड सी इज द करेक्ट आंसर. ये कौन सा है, ये स्केलेटल है, और स्केलेटन क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है. आप सोचो, एक बार इमेजिन करो बच्चों, लेट्स से आपके बॉडी में ये बोन्स वगैरह नहीं है, स्केलेटन सिस्टम नहीं है, तो आपकी बॉडी कैसे होगी, एकदम ऐसे. बीन बैग देखा आप सब लोगों ने, बिल्कुल एक जगह पे ऐसे. हमारी जितनी भी सारी मसल्स है ना, और जितनी भी अंदर सारी चीजें हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी, एकदम ऐसे हो जाएंगी, लथार्जिक, बिल्कुल ऐसे, आप खड़े भी नहीं हो पाओगे, राइट. जैसे आप अभी स्ट्रेट बैठे हो, वो कैसे पॉसिबल है, आपके पीछे बैकबोन ने आपको स्ट्रेट कर रखा है. सो आपकी बॉडी कैसे हो जाएगी, विदाउट एनी शेप, बीन बैग की तरह हो जाओगे आप. तो इन सबको, ऑल दो हमारे स्कल को, हमारे हार्ट को, ब्रेन को, ये सबको कौन प्रोटेक्ट करता है, वो करता है आपका स्केलेटन सिस्टम. ये देखो कितना मस्त है स्केलेटन सिस्टम. और ये तो देखो, ये आप जब फोन पे बात करते हो ना तो आप कुछ इस तरीके से दिखते हो, ठीक है, अपने आपको आप अज्यूम करके देख सकते हो. डरना नहीं है, इट इज जस्ट फॉर अ फन एक्टिविटी कि एग्जैक्टली आपका अंदर से स्केलेटल कैसा दिखता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. क्लियर हो गया है सारे बच्चों को? यहाँ पे देखो, ये जो रिबकेज है ना बच्चों, इसको रिबकेज बोलते हैं. इस रिबकेज के पीछे आपके क्या होते हैं, इस रिबकेज के पीछे आपके लंग्स होते हैं, इसी रिबकेज के पीछे यहाँ पे आपका छोटा सा आपका हार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ नीचे की साइड में, यहाँ पे नीचे की साइड में आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका स्टमक होता है, फिर ये आपका पेल्विस वाला पार्ट, हिप्स वाला पार्ट आ गया,
ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपके लंग्स होते हैं, यहाँ पे आपका हार्ट होता है, यहाँ पे इस स्कल के अंदर में आपका क्या होता है, ब्रेन होता है। सो इन सबको कौन प्रोटेक्ट करता है, वो करता है हमारा स्केलेटन सिस्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डक्स हैव डैश, ये बर्ड्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। डक्स हैव शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, स्लेंडर बीक्स और पॉइंटेड बीक्स, कौन सी बीक होती है डक्स के, फटाफट से याद करो। देखो क्या डक ये है, ये है, ये है या ये है, कौन सी है डक, सबको याद आ गया। सो डक क्या है, कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है। सो डक के कैसी बीक होती है, फटाफट से मुझे बता दो, सोच के बता दो कैसी बीक आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये आपको दिख रही है फ्लैट एंड ब्रॉड, चौड़ी सी बड़ी सी आपकी ये बीक होती है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे बच्चों तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन गिवन है शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जो है ये शॉर्ट है, छोटी सी है और ब्रॉड भी है, पर क्या ये डक है क्या, नहीं। फिर आपके ऑप्शन में गिवन है दूसरा ऑप्शन ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, दिस इज द करेक्ट आंसर। ब्रॉड बड़ी भी है और फ्लैट भी है, वो किसके है, देखो यहाँ पे डक के है आपके, ब्रॉड है, ठीक है, बड़ी सी दिख रही है आपको और फ्लैट भी होती है, ठीक है, ये बड़ी सी है और फ्लैट भी है। थर्ड ऑप्शन में गिवन है आपके स्लेंडर बीक, स्लेंडर बीक का मतलब होता है जो थोड़ी पॉइंटेड टाइप की बीक होती है, राइट। अब इन एनिमल्स के नेम, सॉरी बर्ड्स के नेम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन कौन से बर्ड्स हैं। एक की तो हमने बात कर ली है, ये भी आप सबको पता ही होगा, इन दोनों को आपको सर्च करके बताना है कौन कौन से बर्ड्स हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज ऑप्शन नंबर पॉइंटेड बीक, तो पॉइंटेड बीक किसकी होती है, वो होती है आपके ईगल की, ठीक है। और तभी तो देखा ना अपने प्रे को वो कैसे एकदम से कैच करके पकड़ के लेके जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा इसका, डक की कैसी बीक होती है, फ्लैट एंड ब्रॉड बीक होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स नाउ, लुक एट द क्लासिफिकेशन टेबल शोन, ठीक है, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन गिवन है उसको समझना है। पी एंड क्यू आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, अब आपको बताना है कि पी और क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो बच्चों समझते हैं पहले, ये जो है फ्रूट है, पहली बात तो आपको ये समझना है कि पी क्यू जो भी आएगा ये क्या है, ये फ्रूट है। फ्रूट में भी दो पार्ट किए हैं कि पी जो होगा वो एडिबल होगा और क्यू जो होगा इनएडिबल, मतलब जिसको कि आप नहीं खा सकते हो। अब आप समझो कौन सा आंसर होगा, कि पी आपका एडिबल होना चाहिए और क्यू आपका अनएडिबल। तो मुझे बताओ चिली आपका एडिबल है क्या, खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हैं। कीवी को भी खा सकते हो, खा सकते हो। कॉटन को खा सकते हो क्या, नहीं खा सकते। कोकोनट को खा सकते हैं, खा सकते हैं। सो दैट मीन्स मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, पर फिर भी हम इसको पूरा सॉल्व करके समझेंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन में पोटैटो और चिली, बट पोटैटो और चिली को तो आप दोनों को खा सकते हो पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, पोटैटो आपका क्या है, फ्रूट है क्या, नहीं, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। सो दैट मीन्स ये ऑप्शन तो यहीं से इनकरेक्ट हो गया। चिली को बच्चों आप बड़ी क्लासेस में जब जाओगे तो एज अ फ्रूट हम कंसिडर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सीड्स होते हैं। बट एनी हाउ दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पोटैटो क्या है, पहला कंडीशन यही है कि आपका फ्रूट होना चाहिए, बट पोटैटो इज नॉट अ फ्रूट, इट इज अ वेजिटेबल। सो दैट इज वाई दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। नंबर टू पे है मीमोसा और कीवी। मीमोसा क्या है बच्चों, एक फ्रूट नहीं होता है, वो एक फ्लावर होता है, ठीक है। जब आप इसको गूगल करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये क्या होता है, एक फ्लावर होता है, ये फ्रूट नहीं होता है, इसका जूस वगैरह भी बनता है, हेल्दी होता है। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही क्या है हमारी, कि इट शुड बी अ फ्रूट, बट मीमोसा क्या है, एक फ्लावर है, फ्रूट नहीं है। एंड सी ऑप्शन इज प्लम। प्लम एक फ्रूट है क्या, यस दिस इज प्लम। प्लम एक फ्रूट है क्या, बिल्कुल फ्रूट है। एडिबल है क्या, बिल्कुल है, हम खा सकते हैं। कॉटन क्या है, कॉटन इनएडिबल है। फ्रूट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे ये फ्लावर के ऊपर ये जो बड आ रही है ना, तो फ्लावर के ऊपर जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। सो एक्चुअली इट इज फ्रूट, ठीक है, कॉटन प्लांट का फ्रूट है ये, बट क्या एडिबल है क्या, खा सकते हो क्या, नहीं खा सकते हैं। सो दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिमिलरली लीची क्या है, एडिबल है, ठीक है, फ्रूट भी है। कोकोनट क्या है, एडिबल भी है और फ्रूट भी है, बट यहाँ पे क्यों क्या होना चाहिए, इनएडिबल होना चाहिए। सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बहुत हमने केयरफुली धीरे धीरे सॉल्व किया है, सो दैट आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अचीवर सेक्शन. यस, जिसके कितने मार्क्स थे? 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है. छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन करने हैं. कभी कोई डिफिकल्ट लगता है तब भी आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. एंड द क्वेश्चन इज व्हेन अ सीडलिंग ग्रोज. सीडलिंग का मतलब समझ गए ना, ये आपका क्या है, ये सीडलिंग है कि जब ये सीड थोड़ा सा ग्रो होने लगता है उसको हम सीडलिंग बोलते हैं बच्चों. व्हेन इट ग्रोज, जब ये ग्रो होता है, इट डिपेंड्स ऑन द सीड लीव्स फॉर न्यूट्रिशन. कि ये जो सीड की लीफ है उसके ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करेगा, डेफिनेटली इस पर डिपेंड करेगा. विच आर द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली आइडेंटिफाई चेंजेस इन मास ऑफ सीड लीफ. कि जो सीड की लीफ है उसके मास का मतलब समझते हो क्या, कि वो कितनी मोटी है, पतली है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसको हम बेसिकली मास समझेंगे. एंड शूट ओवर टाइम, और शूट से क्या, दोनों का क्या रिलेशन है. पहले तो आप समझो कि प्लांट का रूट और शूट क्या होता है. ये देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना बच्चों, दिस इज रूट, ठीक है. और ये जो प्लांट के ऊपर, रूट के ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं शूट, ठीक है. तो ये जो शूट है, ठीक है, स्टेम के ऊपर वाला जो पार्ट है, इस शूट और इसके मास में, इस जो आपका सीडलिंग है उसकी लीफ के मास में क्या रिलेशन है आपस में दोनों का, वो समझते हैं. फर्स्ट ऑप्शन सेज कि मास क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा और आपका जो शूट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा. अब इसको समझो बच्चों, दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑल दो मैं समझाती हूँ. मास मतलब कि ये देखो, ये मास धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये लीफ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. ये क्या बन रहा है, लीफ, पत्ती बन रही है. वो जो सीडलिंग थी वो धीरे धीरे बड़ी होके क्या बन रही है, लीफ में कन्वर्ट हो रही है. तो अल्टीमेटली वो जो मोटा सा मास था वो धीरे धीरे एक पतली सी पत्ती के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, लीफ की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. सो दैट मीन्स उसका मास क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सो मास क्या है, मास को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, लीफ के मास को. तो ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है और धीरे धीरे आपका जो प्लांट है वो क्या हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है. मतलब प्लांट आपका ऊपर से ग्रो हो रहा है, मतलब आपका शूट सिस्टम क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है. शूट सिस्टम वाई आपका जो हो रहा है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है. सो दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर. बाकी को भी हम समझ लेते हैं. बी ऑप्शन सेज कि आपका जो सीडलिंग है, एक्स है, ठीक है, उसका जो लीफ है उसका मास बढ़ेगा? नहीं भाई, वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, वो धीरे धीरे ओवर द टाइम कम होगा. और इसमें बोला है कि शूट, मतलब अगर मान लो शूट कम हो जाएगा तब तो प्लांट ग्रो ही नहीं होगा ना. और प्लांट तो अल्टीमेटली ओवर द टाइम क्या होता है, ग्रो होता है, बड़ा होता है. सो दैट इज वाई दिस इज इनकरेक्ट. सी ऑप्शन में क्या है कि एक्स कॉन्स्टेंट है. एक्स कॉन्स्टेंट का मतलब कि आपका जो लीफ है, जो मास है उसका, सीडलिंग का मास है, वो कांस्टेंट रहेगा. आप प्लांट कितना भी बड़ा हो जाए वो वैसा ही रहेगा. अगर वो वैसा ही रहेगा तो लीफ में कौन कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे लीफ वगैरह कैसे आएंगी. सो वो कांस्टेंट तो नहीं रहने वाला है, वो कम हो जाता है और वो धीरे धीरे लीफ की फॉर्म में आगे प्लांट बड़ा हुआ होता चला जाता है. सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. डी ऑप्शन सेज कि वाई कॉन्स्टेंट रहता है, कि आपका जो ऊपर शूट वाला सिस्टम है वो कांस्टेंट रहता है. कि आप प्लांट तो आपका धीरे धीरे बड़ा होता है ना, कांस्टेंट रहने का मतलब है वो बड़ा ही नहीं होगा. वो जितना सा है सीडलिंग आपका, परमानेंट हमेशा वैसा ही रहेगा. क्या ऐसा होता है? नो नो नो. सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सबको समझ में आ गया क्लियरली, ए क्यों इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए. ओके, वेल डन. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. सो समझते हैं इसको भी बच्चों. ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन रिगार्डिंग एक्स वाई जी. कि आपको एक्स वाई जी का एक करेक्ट आपको बताना है चीजें क्या है. लिक्विड एक्स इज ट्रांसपेरेंट एंड लिक्विड जेड इज ट्रांसल्यूसेंट. लिक्विड वाई इज ओपेक एंड लिक्विड जेड इज ट्रांसल्यूसेंट. सिमिलरली लिक्विड एक्स इज ट्रांसपेरेंट एंड जेड इज ओपेक. Y is transparent and Z is opaque. सबसे पहले तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों कि ये बोल क्या रहा है. देखो, there are 3 types of object which you will study in your grade 6. ठीक है, grade 6 में आप लोगों के एक चैप्टर आता है and the name of the chapter is light and shadows. ठीक है, light and shadows उस चैप्टर का नाम है. लेकिन अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझना है, उसमें आप पढ़ोगे there are 3 types of objects. वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट. ठीक है, ट्रांसपेरेंट एज अ नेम इंडिकेट, जिससे कि लाइट क्या होती है, कंप्लीटली पास हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. जैसे आपने देखे होंगे जो हमारे चश्मे होते हैं ना, स्पेक्टिकल्स, उनमें क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार हमें चीजें दिखती है. सिमिलरली आपके ग्लास के, विंडो के ग्लास को भी आपने देखा होगा, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है, कई जगह पे ट्रांसलूसेंट भी होता है, बट हम इन जनरल केस यहाँ पे समझ रहे हैं कि विंडो क्या है, ट्रांसपेरेंट है. और विंडो के पीछे ये क्या है, लीफ है, जो कि आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है.
सिमिलरली क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट लाइट जो है वो पास हो रही है, ठीक है, कंप्लीट लाइट आपकी पास हो रही है। सेकंड क्या है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या है, थोड़ी सी लाइट पास होती है और थोड़ी सी वापस चली जाती है, ठीक है। जैसे कि आप देखो सनग्लासेस, हमें धूप में हम सनग्लासेस क्यों लगाते हैं, ताकि हमें जो सनलाइट है वो थोड़ी कम फील हो, क्योंकि थोड़ी तो हमारी आईज में आएंगी और थोड़ी सी वापस चली जाएगी। जैसे कि बटर पेपर होता है आपका, थोड़ा ट्रांसलूसेंट दिखता है आपको, धुंधला धुंधला सा दिखता है। सो वहां पे क्या होता है, थोड़ी लाइट पास होती है और थोड़ी वापस चली जाती है। ओपेक में क्या होता है कि कंप्लीट जो लाइट आप यहाँ पे डाल रहे हो ना, वो कंप्लीट वापस रिवर्स हो जाती है। ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है बच्चों। और ब्लॉक करने की वजह से ही, यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से हमारा क्या होता है, शैडो फॉर्मेशन होता है। शैडो मतलब उसकी जो छाया बनती है, शैडो बनती है आपकी, आपने देखा होगा ना ऐसे चलते हुए कभी कभी हमारी शैडो बनती है। तो वो क्यों बनती है, क्योंकि सन की तरफ से जो रेज आ रही है आपकी बॉडी ने उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। और उसको ब्लॉक करने की वजह से नीचे की साइड में आप क्या देखते हो कि आप ही के जैसी आपकी शैडो बनी हुई है। और वो कैसी बन रही है, जितना पोर्शन आपने ब्लॉक किया है उतने ही पोर्शन की। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, जैसे कैंडल की लाइट है, इसको हमने लाइट सोर्स कंसिडर किया है, ये जो ग्लोब है ये कोई ऑब्जेक्ट है, और जैसे ही इस ऑब्जेक्ट ने इस लाइट सोर्स को ब्लॉक किया तो पीछे यहाँ पे इसकी क्या बन गई है बच्चों, ये इसकी शैडो बन गई है। क्या ये बातें क्लियर हो गई है? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन सेज कि यहाँ पे तीनों लाइट सोर्स यहाँ पे ये गिवन है, अब तीन यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स गिवन है, यहाँ पे शैडो बन रही है, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये आपका बच्चों ओपेक होगा। क्या होगा, ओपेक होगा, क्योंकि ओपेक ही शैडो बनाते हैं। आपकी ह्यूमन बॉडी भी क्या है, ओपेक है, तभी तो आपकी कंप्लीटली शैडो बनती है ना। यहाँ पे जो बन रहा है ये वाई क्या होगा बच्चों, ये आपका ट्रांसल्यूसेंट होगा। ल्यूसेंट का मतलब, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब जो थोड़ी लाइट को आने दे और थोड़ी को वापस भेज दे, जैसे आपके गॉगल्स होते हैं। और ये क्या है, ये है, ये आपका ट्रांसपेरेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो पूरी लाइट आपकी क्या हो रही है बच्चों, ये पूरी लाइट आपकी पास हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी शैडो आपकी नहीं बन रही है। क्लियर हो गया है सारे बच्चों को? सो अब समझते हैं, अब कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है एक्स इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एक्स ट्रांसपेरेंट है। जेड इज ट्रांसलूसेंट, जेड ट्रांसलूसेंट है क्या, नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। लिक्विड वाई इज ओपेक, वाई ओपेक है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। लिक्विड एक्स इज ट्रांसपेरेंट, एक्स ट्रांसपेरेंट है क्या, बिल्कुल है। और लिक्विड जेड इज ओपेक, और लिक्विड जेड ही तो ओपेक है, सो दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। डी को भी देख लेते हैं, लिक्विड वाई इज ट्रांसपेरेंट, वाई ट्रांसपेरेंट है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो ट्रांसलूसेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कैसा लगा ये क्वेश्चन मुझे बताना है जरूर, ऑल द पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू एवरीवन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू, बट इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन कि आने वाले टाइम में हम और ऐसे अमेजिंग बेहतरीन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करें। और आपको कैसे टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप एक एक टॉपिक को यहाँ पे आप समझना चाहते हो मेरे से ओलंपियाड के लिए, जैसे हमने सिलेबस की बात की थी स्टार्टिंग में, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे आपके जो सिलेबस है, क्या आप इनका एक एक टॉपिक मेरे साथ में पढ़ना चाहते हो, या फिर आप ओवरऑल सिर्फ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, टॉपिक्स का मतलब है, जैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम हमें प्लांट पढ़ना है, या फिर हमें एनिमल्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बर्ड्स डिफिकल्ट लगता है, या फिर आप सारे ही टॉपिक हमें वन बाय वन सारे वीडियोज़ में पढ़ा दो। इन सारी बातों को लेकर के आप मुझे जिस भी वीडियो में जाकर के कमेंट करेंगे मैं चेक करती हूँ। आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स, या फिर जो भी आप कहेंगे उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगी कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ, उस टाइप से रिलेटेड आपको कुछ वीडियोस बना के दे सकूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर स्टूडेंट लाइफ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की करनी है, फिर देखो क्या अमेजिंग इजी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, आपको ये एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस लगते हैं। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय।